हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप बाय स्टेप गार्डनिंग। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपसे डिफनबेकिया या डम केन प्लांट के बारे में बात करूंगी। इसकी कंप्लीट केयर बताऊंगी आपको और इसका प्रोपोगेशन कैसे करते हैं ये भी बताऊंगी। कुछ लोग इसे डिफनबेकिया के नाम से जानते हैं और कुछ लोग इसे डम केन के नाम से भी जानते हैं। ये एक बहुत ब्यूटीफुल गुड लुकिंग समर शो प्लांट होता है और विंटर्स का डोरमेंसी टाइम होता है। विंटर में इसकी बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं होती है, तो समर टाइम चल रहा है, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। और आपको अपने प्लांट की केयर किस तरह से करनी है कि आपके प्लांट की भी इसी तरह ग्रोथ हो और बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर लीव्स इसमें आ जाएँ, ताकि आपका प्लांट देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे। फ्रेंड, इस प्लांट की स्पेशलिटी क्या है कि ये एक एयर प्योरीफायर प्लांट है। ये हवा को शुद्ध करता है, एनवायरनमेंट को क्लीन करता है, एयर को क्लीन करता है। तो अगर आप इसे अपने गार्डन में ऐड करते हैं तो आपके घर के आसपास का एनवायरनमेंट क्लीन रहेगा और हवा शुद्ध रहेगी, जो कि आपके हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो आप अपने गार्डन में इस प्लांट को ज़रूर ऐड करें। एयर प्योरीफायर प्लांट बहुत सारे होते हैं, मेरे भी गार्डन में बहुत सारे एयर प्योरीफायर प्लांट मैंने ऐड किए हुए हैं, तो उसकी भी जल्दी ही मैं एक वीडियो बना के आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि कौन कौन से प्लांट होते हैं जो एयर प्योरीफायर होते हैं, हवा को शुद्ध करते हैं। साथ में ये इंडोर और आउटडोर दोनों चलता है। फ्रेंड, कुछ प्लांट्स होते हैं जो इंडोर और आउटडोर दोनों ही चलते हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं, और उन्हीं में से ये प्लांट भी है जो इंडोर और आउटडोर दोनों तरह से ग्रोथ करता है। बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो फ्रेंड, मैं इसकी केयर कैसे करती हूँ कि मेरा प्लांट इतनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है, बहुत खूबसूरत लीव्स आ रही हैं, बहुत हेल्दी और बिग साइज़ की लीव्स आ रही हैं, बहुत बिग साइज़ की लीव्स हैं जो कि देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। मैंने जब इसे नर्सरी से लिया था तो इसकी जो सॉइल मिक्सचर तैयार की थी उसमें मैंने वेल ड्रेन सॉइल दिया था। इसे वेल ड्रेन सॉइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब सॉइल परफेक्ट होगी ना फ्रेंड, तो प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होने वाली है। अगर सॉइल में ही प्रॉब्लम होगी तो प्लांट कभी भी अच्छी ग्रोथ नहीं करेगा और जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो होगी और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और ना ही प्लांट अच्छा दिखेगा। तो सॉइल वेल ड्रेन ले, 40% इसमें गार्डन सॉइल ले लें, 40% इसमें रिवर सैंड जो कंस्ट्रक्शन वाली होती है वही लें, और साथ में 20% आप कंपोज ले लेंगे। कंपोज भी जब रिपोर्टिंग में डालेंगे तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। पॉट आपको बहुत बड़ा नहीं लेना है, जब नर्सरी से आप प्लांट लेते हैं तो प्लांट छोटा रहता है, तो आपको उसमें छोटा ही पॉट देना है। 8 से 10 इंच का पॉट दे सकते हैं, उससे बड़ा पॉट ना दे। देखिए, मेरा भी 8 इंच का पॉट है ये, और एक 10 इंच के पॉट में लगा रखा है, लेकिन बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है प्लांट की। फ्रेंड, जो इसकी सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो बहुत कम होती है। ये इनडायरेक्ट सनलाइट को लाइक करता है और इनडायरेक्ट सनलाइट में बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। जो आपको मेरे प्लांट का कलर दिख रहा है ना, इतना ग्रीनिश कलर, बहुत डार्क ग्रीन कलर है, और जो इस पर डिज़ाइन उभर के आता है ये तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक देता है। तो ये इसलिए है क्योंकि मैंने इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में रखा है, मैंने इसे ग्रीन नेट में रखा हुआ है। और अगर आपके पास ग्रीन नेट नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप उसे इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिए, जहाँ सूरज की डायरेक्ट रोशनी ना पड़ती हो, बल्कि हल्की सी धूप, हल्की सी उसकी रोशनी आती हो, डायरेक्ट सनलाइट ना मिलती हो। तो ऐसी जगह पे रखेंगे तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। देखिए, किसी भी लीव की एजेस आपको बर्न नहीं दिखेगी, क्योंकि इसे डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलती है। इस तरह से हर एक लीव सेफ है और खूबसूरत लुक दे रहा है ये। तो इस तरह आप इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें। ह्यूमिडिटी को लाइक करता है ये प्लांट, तो समर में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो आप इसे कुछ प्लांट्स के बीच में रखिए, तो ये अच्छी ग्रोथ करता है। वाटर की नीड इसकी क्या होती है, वाटर लिमिटेड ही करना है। समर में जब सॉइल आपको ड्राई दिखे तब आप इसमें वाटरिंग करें। अभी तो हमारे यहाँ बारिश हुई है, तो देखिए कितना सॉइल आपको गीला दिख रहा होगा, क्योंकि रात में बारिश हो गई थी। जब मिट्टी ड्राई दिखे तब आप इसमें वाटरिंग करेंगे। जब तक सॉइल गीली है तब तक इसमें वाटरिंग नहीं करना है, अदरवाइज इसके रूट रोट के चांसेस होते हैं। जो इनकी स्टेम होती है ना, ये भी बहुत ज़्यादा वुडी नहीं होती है, अंदर से बहुत पल्पी रहती है, तो अगर ज़रा सा भी एक्स्ट्रा वाटर हुआ ना तो ये क्या होगा, ये रूट रोट हो जाएगा, पूरा का पूरा प्लांट गल के ख़राब हो जाएगा, तो उसे आप फिर नहीं बचा पाएंगे, इसलिए लिमिटेड वाटर करें। उसके बाद इसके फर्टिलाइज़र की बात करती हूँ। फर्टिलाइज़र की ज़्यादा नीड नहीं होती। जब ये डोरमेंसी में था तब तो मैंने इसे बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया, लेकिन जब ये जनवरी में इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, समर सीजन स्टार्ट होने लगता है, तो उस समय आप इसे अच्छे से फर्टिलाइज़ कर दें। मिट्टी की गुड़ाई करके
इसमें वर्मी कंपोज या काउडंग कंपोज ऐड कर दें, थोड़ा सा दो चार दाने डीएपी ही डाल देंगे तो जो लीफ का साइज़ है वो बहुत बिग साइज़ का आने लगता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो प्लांट का लीफ है वो बहुत बिग साइज़ का आए इस तरह से, तो आप उसमें डीएपी के बहुत ज़्यादा नहीं, दो चार दाने डाल देंगे ना तो बहुत अच्छी ग्रोथ करता है प्लांट। और साथ में वर्मी कंपोज या काउडंग कंपोज भी ऐड कर देंगे सॉइल में और उसकी गुड़ाई करके उसमें वाटरिंग कर देंगे, तो ये फर्टिलाइज़र इसके लिए सफिशियंट रहता है। शो प्लांट को किसी भी फर्टिलाइज़र की बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती और इसे बार बार फर्टिलाइज़र नहीं देना है फ्रेंड। एक बार आपने जनवरी फरवरी में दे दिया तो सेप्टेम्बर अक्टूबर में दोबारा देंगे, उसके बाद बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए। साल में एक से दो बार अगर आप इसे कंपोज या फर्टिलाइज़र दे देते हैं तो बस ये उतना ही इसके लिए सफिशियंट होता है, बहुत अच्छे से ग्रोथ करता रहता है क्योंकि समर इसका ग्रोइंग सीज़न है। उसके बाद कई बार इसमें पेस्ट लग जाते हैं फ्रेंड प्लांट पे, जैसे इसे शेड, ये शेड लविंग प्लांट है और आपने इसे शेड में रखा है तो प्लांट में जब नमी रहती है ना तो पेस्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, कई बार पेस्ट लग जाते हैं। मेरे प्लांट पे नहीं लगा है, तो आप अगर आपके प्लांट पे लग जाता है तो आप हल्का सा नीम ऑयल का स्प्रे कर देंगे तो जो पेस्ट लगे हैं वो हट जाते हैं और आपका प्लांट साफ़ हो जाता है, क्लीन हो जाता है। तो इस तरह से आप उसे पेस्ट से रिलीफ दे सकते हैं। और फिर नेक्स्ट है इसका, लास्ट में मैं इसकी प्रोपोगेशन की बात करूँगी। प्रोपोगेशन इसका बहुत इजी है फ्रेंड। जब आप इसे देखिए, इसमें क्या होता है, जब इसकी ओल्ड लीव्स गिर जाती है ना तो स्टेम कुछ इस तरह से कुछ लंबा सा स्टेम हो जाता है, खाली सा रहता है, लंबा होता है। ये इसका नेचुरल जो सिस्टम है वो है, आप इसे कुछ नहीं कर सकते। जब लीव्स ओल्ड हो जाएंगी तो आप ये जो स्टेम है ये खाली खाली दिखेगा। हाँ, एक और तरीका है जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, मैंने भी इस विंटर एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप इसे विंटर में ना जो रात की ओस गिरती है उससे आप इसे बचा लेते हैं, कहीं शेडी प्लेस पर रख दे जहाँ पर जो विंटर की ओस है वो इस प्लांट पर ना गिर पाए, तो ये प्लांट जो है बुशी रहेगा। तो मैं अब नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूँगी, नवंबर दिसंबर में ही जब इसकी ग्रोथ रुक जाएगी तो इसे विंटर से बचाने के लिए मैं इसे इंडोर ऐसी जगह पे रखूँगी, इंडोर कहिए या फिर आउटडोर भी हो, कोई शेडी प्लेस पे रखिए जहाँ पर जाड़ों से बच सके। रात की ओस पे नहीं गिरेगी ना फ्रेंड, तो जो ओल्ड लीव्स यहाँ से गिरी हैं ना वो नहीं गिरती हैं, ओल्ड लीव्स भी इसमें रहती हैं। मैंने कई ऐसे डिफनवेकिया या डमकिन के प्लांट देखे हैं जो यहाँ तक बिल्कुल नीचे तक इनकी लीव्स रहती है, वो तब रहती है जब हम इसे जाड़ों से प्रोटेक्ट कर लेते हैं। और स्पेशली मैंने लास्ट विंटर भी इस पर वीडियो बनाई थी, वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया था, मैंने वीडियो बनाया था कि विंटर में आपको समर प्लांट को कैसे सेफ रखना है, सेव रखना है ताकि वो प्लांट ख़राब ना हो। उसके बाद इसका प्रोपोगेशन कैसे होता है, जब आपकी प्लांट की लीव्स इस तरह से गिर जाए, स्टेम खाली खाली दिखने लगे तो ये देखने में और लगता है। तो आप इसको प्रोपोगेट कैसे करेंगे, बहुत ईजिली प्रोपोगेट हो जाता है फ्रेंड। देखिए ये मेरा जो प्लांट है ये ओल्ड हो गया था तो इसमें से न्यू स्पाउट्स बन गए थे, एक ये है एक और यहाँ से बना था, लेकिन विंटर में मैंने काफ़ी लेट इसे इंडोर रखा तो यहाँ से जो स्प्राउट निकला था वो ठंड की वजह से गल के ख़राब हो गया, अदरवाइज इसमें 3 प्लांट्स बन गए थे। तो आपको क्या करना है, अगर आप इसे प्रोपोगेट करना चाहते हैं तो जैसे ये बहुत लंबा सा प्लांट हो गया है तो आप इसे कट करके इसे प्रोपोगेट कर सकते हैं, बहुत ईजिली ये प्रोपोगेट हो जाता है। मैं जब करूँगी तो वीडियो ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी, लेकिन अभी मैं आप लोगों को बस बता देती हूँ कि आपको क्या करना है। बाई चांस आपको अभी इसे प्रोपोगेट करना हो तो यहाँ से आप इसे कट करेंगे, जितना भी आपको ब्रांच छोड़ के कट करना है, जैसे यहाँ से आपने कट कर लिया तो यहीं से न्यू स्प्राउट निकल जाते हैं। अगर आपने यहाँ से कट कर दिया, जो ये रिंग बने होते हैं ना, हर रिंग से न्यू स्प्राउट बन के नए प्लांट बन जाते हैं। एक ही प्लांट से आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं, बहुत ईजिली प्रोपोगेट करता है ये प्लांट। तो जो अगर आपने यहाँ से कट किया तो यहाँ से एक दो न्यू ब्रांचेज आ जाएंगी और फिर ये प्लांट यहीं से ग्रोथ करना शुरू कर देगा। अब जब आपने इतनी लंबी जो ब्रांच कट की है उसको क्या करना है, यहाँ से कट करके आप एक इतनी मिट्टी में लगा के एक नया प्लांट तैयार कर लें, दूसरा आपका ये प्लांट रहेगा, इसमें से न्यू स्प्राउट निकल जाएंगे तो वो भी नया प्लांट बन जाएगा। और तीसरा क्या है, ये जो आपने कट किया है ना बीज का जो हिस्सा बचा है उसे आप हर एक रिंग से, यहाँ हर एक रिंग से आप इसे कट कर करके इतनी इतनी पीसेस भी लगा देते हैं ना तो इसमें से भी न्यू स्प्राउट बन जाता है। तो ये तरीका है इसके प्रोपोगेशन का। और ये जो नया प्लांट बना है फ्रेंड, इसमें भी देखिए कितनी लंबी लंबी रूट्स हैं, इधर भी रूट्स होंगी, यहाँ भी ये लंबी सी रूट्स दिख रही है। तो अब अगर आप चाहें तो यहाँ से मिट्टी हल्की सी निकाल के और यहाँ से इस प्लांट को थोड़ा गहरा चाकू से कट करेंगे, बिल्कुल अंदर मिट्टी के अंदर चाकू डाल के कट करेंगे तो ये दो चार रूट इसमें आ जाएंगी और ये भी एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोपोगेशन बहुत ईजिली हो जाता है इस प्लांट का। तो बस ये इस प्लांट की कंप्लीट केयर थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जल्दी ही किसी नए टॉपिक पे आप लोगों से फिर मिलूंगी, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।